हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में आपसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे मेन न्यूज़ की, जो बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल और बीएससी के मेडिकल कोर्सेज जितने भी हैं उनका जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होने वाला है वेरी सून बाय द जेके बॉबी ऑन 19th ऑफ द जून। उसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आज रिलीज़ हो चुके हैं और आप उनकी वेबसाइट पर जाकर, जेके बॉबी की वेबसाइट पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। न्यूज़ अपडेट्स में वो फ्लैश हो रहा है, आप उसको क्लिक कीजिएगा, वो आपको न्यू विंडोज़ पे लेकर जाएगा। वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, आई थिंक, वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और उसमें जो फॉर्म्स, जो एप्लीकेशन एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा उसमें आपका वेन्यू, कहाँ पर आपका पेपर होना है, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, वो सब कुछ मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी। उसको फिर आपने डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट लेके, और मेक श्योर कीजिएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो एक आईडी प्रूफ ज़रूर लेके जाइएगा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, ठीक है। तो फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं डाल चुका हूँ, तो आप उस वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी। ये पुराने ईयर का कुछ क्वेश्चन पेपर्स के इंपॉर्टेंट जो पुराने पेपर्स में आ चुका है ये एग्जामिनेशन, जेके बोपी का जो कंडक्ट किया था, तो इसमें आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे 180 टोटल क्वेश्चन हैं। एक्चुअली ये जो पिक्चर्स हैं ये सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं हुई हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को, मेन चीज़ ये है कि आपको इन द एंड क्वेश्चंस पता होने चाहिए कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं एमसीक्यूज, अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो 180 क्वेश्चंस है, मैं इस पूरी वीडियो में पढ़ नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, आई थिंक ये बायो से रिलेटेड है ये कुछ क्वेश्चन जो पुराने एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये 24 पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर था और इसमें ये पेज नंबर 22 है, ठीक है। टोटल 180 क्वेश्चन है, लास्ट के टू शीट्स वो रफ शीट्स वो जो होती है वो उसमें वो प्रोवाइड करेंगे। देखिए ये देखिए बीएससी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द बीएससी नर्सिंग 2021 की बुकलेट है, ठीक है। तो इस टाइप की बुकलेट आपको मिलेगी जिसमें बुकलेट नंबर होगा, ठीक है, ये आपके सामने है, बुकलेट सीरीज नंबर होगा, यहाँ पे अपने रोल नंबर मेंशन करना है। और ये देखिए उन्होंने 3 आवर का टेस्ट बताया हुआ है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी इधर सामने दिख रही है स्क्रीन पे, इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड कर लेना है उसने बोला है, और 180 क्वेश्चंस ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, फर्दर क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये पेज नंबर 20 के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको देख सकते हो, ये भी बायो से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। और वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे एमसीक्यूज, पुराने पेपर्स के एमसीक्यूज ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको ज़रूर एक बार रीड करके जाइएगा। कई बार होता है कहीं क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या उसे मिलते जुलते क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, सो इट विल गोइंग टू हेल्प यू फॉर दिस एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ बायो के पुराने पेपर्स हैं, मतलब एमसीक्यूज, और ये आई थिंक ये फिज़िक्स के आ गए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज मेजर टू बी 25 सेकेंड्स, 25.0 सेकेंड, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट, तो ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द करंट डेंसिटी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 था ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो उसके बाद ये देखिए, ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इफ़ द जोन ऑफ प्लेट इज़ बिहेविंग लाइक ए कन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर ऑफ द लाइट वेव्स ऑफ 5000 एंगुलर डिग्री, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द जोन, क्वेश्चन नंबर 27, इसके ऑप्शन ये आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का भी क्वेश्चन आ चुका है, एलसीआर सर्किट का ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर रेडियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटेंस सीपी ऑफ ए गैस इज 1.3, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, ये भी आपका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलते हैं तो ये देख लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन और फिजिक्स के से रिलेटेड हैं। एक्चुअली इस पेपर में क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इक्वल वेटेज की है, 60-60-60, तभी ये 180। तो आपको हर एक सेक्शन को इम्पोर्टेंस देनी है अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो,
ठीक है, वरना लास्ट ईयर तो कट ऑफ आई थिंक 25 से 30 के बीच में रहा था। इस बार तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भी इंक्रीज़ हुए होंगे, तो उसका थोड़ा सा मेक श्योर कीजिएगा कि आप हर एक बच्चे की एक एक टारगेट होता है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, क्योंकि फ़ी स्ट्रक्चर वहाँ पर मिनिमम होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 50 ओम इज कट इन टू 5 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल बट विल द फॉलिंग फॉलिंग इज द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। ये आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, रिलेटेड टू दिस मिरर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले तो इसके बाद ये देखिएगा, ये अनदर फिजिक्स के ही क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेलोसिटी ऑफ द एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये इसका उन्होंने फार्मूला यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 2 बसें एंड वी आर अप्रोचिंग टू इजर विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बसेज 1 to 5 देन हाउ मच टाइम विल द, यहाँ पे अपने स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका फॉर्मूला लगा के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको इसमें दिया हुआ है, स्पीड यहाँ पे दी हुई है, दोनों कंडीशंस में। आई थिंक इसमें आपकी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनेगी, उसको आप सॉल्व करके, ठीक है, रूट्स को फिर आइडेंटिफाई करके फिर आप उसे वैल्यू निकाल सकते हो जो आपने लेट करनी है। आई थिंक टाइम इसमें लेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन वैल्यूज़ को आप सपोर्ट कर सब्सिट्यूट करके आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द कॉमन एमिटर ट्रांसमिशन ट्रांजिस्टर सॉरी। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दिए हुए हैं आपको। अच्छा, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज 100 मिली हेनरी, मिली कितना होता है 10^-3। ठीक है, माइक्रो होता तो 10^-6 होता। ठीक है, और एम्पेयर और करंट दी हुई 2 एम्पेयर पास थ्रू इट, देन व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर इन इट। तो ये आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप इसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चंस 33, 38 ये सभी अभी फिजिक्स के चल रहे हैं, ये भी LR सर्किट का दिया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 49 to 57। ठीक है, तो ये आपको इसमें देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट अबाउट द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, VRMS सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो VRMS की 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं इन क्वेश्चन में, वो आप देख सकते हो जो आपको ठीक लगता है। इफ़ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट रीचेस बाय द बॉडी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें कॉन्स्टेंट इन्होंने बोला हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आपने यहाँ पर लेनी है, इसमें कैलकुलेट करना है। 49th क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन ये आपके सामने है, 51, 56, 52, 57 क्वेश्चन भी आपके सामने हैं, और ये आ गया 53 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पेजेस आगे पीछे हैं, तो इसलिए तो ये आगे 39 से ये क्वेश्चन आपके सामने, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट पुराने क्वेश्चन हैं, ये आ चुके हैं, मेक श्योर इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जेके बोपी के पेपर्स में तो ये सब कुछ बता रहा है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का भी ये क्वेश्चन आ चुका है 42 पेज नंबर पर, ये देखिए 47। फिर मैग्नेटिक फील्ड का ये क्वेश्चन आ चुका है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ चुके हैं, फॉर्मूले से है, और जिसको फार्मूला आता होगा वो इसको आइडेंटिफाई ईजिली कर लेगा। और इसके बाद ये आ गया आपका 58th क्वेश्चन, आई थिंक ये फिजिक्स के बस इतने ही क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन आ गए, सेक्शन ख़त्म हो गई है। स्टार्टिंग वाली सेक्शन फिजिक्स की रही थी, जो बी सेट मिला था लास्ट ईयर का। ठीक है, तो ये आ गए वेव फॉर्म वाले कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये शायद केमिस्ट्री अब स्टार्ट हो जाएगी, हाँ ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है आपके सामने। इस केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो ये भी आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके स्क्रीन के सामने, 40, 76, 80 ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन 2 आ गया, यहाँ पर सेक्शन 2 ये दिखा रहा है। ठीक है, ये शीट्स आगे पीछे हैं, ये पिक्चर्स आगे पीछे हैं, तो इसलिए कभी लास्ट पेज आ रहा है कभी सेकंड आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं। 180 क्वेश्चंस जो रिपीट हुए थे, मतलब रिपीट क्या हुए थे, जो आए थे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ये देखिए। आगे हम चलते हैं, तो ठीक है, ये भी केमिस्ट्री के ही हैं, ट्रू रिगार्डिंग द ऑक्टेव नंबर, ये सारे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ज़रूर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि ये सारे क्वेश्चन आप एक बार करके जाइएगा। ठीक है, ये हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो जाए जो आपको बेनिफिट दे, तो ये आ गया आपके सामने। ठीक
ठीक है, 108, 112, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 10, 14, 11, 15, 16, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गए आपके सामने। उसके बाद ये केमिस्ट्री के और क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, फंक्शनल आइसोमर ऑफ द प्रोपेनलिस, ठीक है। तो ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। काफ़ी सारी मेरे सब मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जो पुराने पेपर्स या आप उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं सारे केमिस्ट्री के, ठीक है। ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसको रीड नहीं करूँगा, एक्चुअली वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो ये केमिस्ट्री का सेक्शन ये 120 मार्क्स तक, 120 क्वेश्चन तक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट सेक्शन फिजिक्स का था, उसके बाद केमिस्ट्री आ गई थी, तो ये आपके सामने है। फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी बायो, ये बायो आ गई आपकी, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। ये आपको नीट में भी हेल्प दे सकते हैं, स्पेशली बायो, ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जितने भी हों ये सारे आपको हेल्प दे सकते हैं, क्योंकि नीट का भी पेपर अभी होना है, ठीक है। ये देखिए ये सामने 31, 131, 35, 36, 32, 37, ठीक है, 33, 34, 38, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। और इसके बाद आई थिंक ये लास्ट पेज है 39, 143, 140, 144, 141, 145, 142, 146, 147, और ये आई थिंक ये लास्ट पेज रहेगा। हाँ ये लास्ट पेज है आपका बायो का, सबसे लास्ट पेज था वो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज जो था वो मैंने शेयर कर दिया था आपके साथ। ये बायो का आ गया सारा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तक देखने के लिए, और आप सबकी मतलब जो आपने क्वेरीज़ की थी कि आप सर पुराने क्वेश्चन पेपर्स को प्लीज़ आप शेयर कीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप, क्योंकि अब बड़े दिन कम रह गए हैं तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपसे शेयर किए। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल के लिंक और इंस्टाग्राम लिंक मुझे मैंने शेयर किया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो @jkvacancies_update मेरा इंस्टा आईडी है, उधर भी फॉलो कर सकते हो। 12th बेस पैरामेडिकल की भी जो भी अपडेट्स है मैं आपको शेयर करता रहूँगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि अब उनके से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, और बीएससी नर्सिंग की भी एंट्रेंस के बाद जो अपडेट्स आएंगी रिगार्डिंग दिस सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी मैं, आपने कैसे काउंसलिंग में जाना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे फॉर्म्स फिलअप करने हैं, सब कुछ A to Z फॉर द ऑल द एडमिशन इन द JEE की मैं कवर अप कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।